नमस्कार दोस्तों, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, बोर और पठान के बाद यशराज फिल्म की स्पाई यूनिवर्स की पांचवी फिल्म टाइगर 3 दिवाली के खास मौके पर रिलीज हो गई है। फिल्म ने शुरुआती 3 दिन अच्छी कमाई की, लेकिन उसके बाद गिरावट देखने को मिली। वहीं अब 7वें दिन फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि उम्मीद के मुताबिक कमाई सही नहीं है। सलमान खान, कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी की फिल्म 7वें दिन कितने करोड़ कमा पाई, चलिए जानते हैं। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने अच्छी कमाई कर रही है। फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में मोटी कमाई की, लेकिन 4थे दिन कमाई करीब आधी रह गई। वहीं 5वें और 6थे दिन भी कलेक्शन कम रहा था, लेकिन 7वें दिन बढ़ोतरी देखने को मिली। फिल्म ने 6थे दिन टोटल 200 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं सैनलीक की रिपोर्ट के मुताबिक 7वें दिन फिल्म ने 17 करोड़ का कलेक्शन किया है और कुल कमाई करीब 217 करोड़ रुपए हो गई है। फिल्म ने पहले दिन 44 करोड़, दूसरे दिन 59 करोड़, तीसरे दिन 44 करोड़ रुपए की कमाई की थी, 4थे दिन 21 करोड़ रुपए और 5वें दिन 18 करोड़ रुपए हो गई थी। वहीं 6थे दिन 13 करोड़, 7वें दिन 17 करोड़ रुपए की कमाई की है। पूरी दुनिया में 300 करोड़ के पार कमाई कर चुकी है। टाइगर 3 ने दुनिया भर में कितने कमाए हैं, अगर इसकी बात करें तो शुक्रवार तक ओवरसीज में 80 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी है। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 324 करोड़ रुपए हो गया है। फिल्म का निर्देशन मनीष शर्मा ने किया है और अब टाइगर 3 के बाद यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की बोर और टाइगर वर्सेस पठान रिलीज होगी। बोर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर NTR देखने को मिल सकते हैं, जबकि टाइगर वर्सेस पठान में सलमान खान और शाहरुख खान आमने सामने होंगे। धन्यवाद।